वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मजीद लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रुखसाना। फरजाना। क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ। मिलवी कॉल सेंटर। शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? थैंक यू, सिस्टर ने लाई है। आपके लिए से? आपने ला के दिया। कितनी बहने हो? हम 6 बहने हैं। वाओ, सबसे ज्यादा किसकी बनती है? हम दोनों की है। अच्छा, सबकी बनती है लेकिन दोनों की कुछ खास बनती है। चलो, इनकी एक बड़ी अच्छी आदत बता दो। ये मेरी बात नहीं किसी से शेयर करती। कौन सी बातें नहीं शेयर करती? होता है ना जो फ्रेंड्स की बहुत अच्छी है, इसलिए हम बहने कम है, फ्रेंड्स ज्यादा है। ओके, और एक बुराई? बुराई नाराज बहुत जल्दी होती है मुझसे। बताओ आप इनकी एक अच्छाई और एक बुराई। इसका ये है कि जब मुझे पैसों की जब भी जरूरत पड़ी है ना, इसे पूछे भी ना, इसका ATM यूज़ कर लेती है, कुछ नहीं कहती। और बुराई? बुराई ये है कि मेरी बात नहीं मानती। जो मैं कह दूँ। कितनी बड़ी हैं आप? ये मेरे से 3-4 साल बड़ी हैं। आप बड़ी हैं? आपके एटीट्यूड से लग रहा है कि आप बच्ची हैं। बड़ी हैं? बड़ी ये बड़ी हैं मुझसे। ओके चले, वो उनका एटीट्यूड ऐसा ना, आप भाजी भाजी के लिए, मैंने कहा शायद वो बड़ी हैं। चलो, कभी मारा एक दूसरे को? सच बताना। बहुत। अल्लाह। बिस्तर के अंदर कैसे मारते हैं? अब लेटे हुए हैं ना, अब सर्दियां हैं ना, तो बिस्तर के एक दूसरे को मार लिया, भाई निकले, पता ही नहीं किसी को। भी लोगों को नहीं पता होता कि मारा है। मारते क्यों हो? भाई किस रीजन पे लड़ाई होती है? ये ना ऑफिस से आती है ना, आती बिस्तर के अंदर घुस जाती है। मैं ऐसे कहती हूँ यार थोड़ा सा टाइम ही दिया होगा, जब ये टाइम नहीं देती फिर मैं इसके अंदर घुस गई, फिर मैं इसे मारती हूँ। बाल उतारे कभी? खिंचे बाल इसलिए इतने कम है। अल्लाह कसमे। तो आप लोग तो फिर लड़कों को भी लगा देंगे? कभी तो किसी लड़के को मारा है? हाँ बिल्कुल मारा है। किस बात पे मारा? हम लोग गए थे 14 अगस्त पे ना, मीनार पाकिस्तान, तो वहाँ पे लड़कों ने बड़ी हुटिंग की, आते जाते उनको फिर उससे मारा। आजादी का दिन है, लड़कियाँ तो जैसे हमारे लिए आती हैं, तो फिर करना पड़ा। जूते थे, वही जूता ही मार दिया था। करना पड़ता है। अभी हम क्या कहते हैं, वो भागे? भागे। वो सही किया? सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही किया ना, अगर वो मार देता। वो नहीं मार सकते। अगर मार देता। अंकल सारे आ गए ना, वो फिर तुमने लड़की को तंग किया। लड़की की फिर होती है ना माशा। ये बात है, मारो अगर उसने मारा तो फिर उसको बहुत मारो। चलो चले सवाल करते हैं, कोई जाहिली होगा जो औरत पे हाथ उठाए। बिल्कुल सवाल करें। मुझे बता दे, मर्द औरत की बातें हो रही है तो मर्द औरत से रिलेटेड ही सवाल पूछ लेते हैं। मर्द और औरत में से किसका दिमाग का साइज छोटा होता है? मर्द का। नहीं, लेडीज का। चलो दोनों मशवरा करके एक बता दो। लेडीज का होता है कम। लेडीज का, लेडीज का, क्योंकि लेडीज को जो जो बात हम बता देते हैं ना वो उसी बात पे ही हो जाती है, और जो मर्द होते हैं ना वो बात को वो अरे नहीं, वो वाला नहीं, साइज वाइज पूछ रही है। दोनों का इक्वली होता है? वो तो इक्वली है ना, साइज तो इक्वली होता है ना। क्यों, दोनों का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर जरूर होता है लेकिन जो साइज साइज इक्वल होती है। पक्का? पक्का। लॉक कर दो? हाँ। बिल्कुल गलत जवाब। क्या शेयर करेंगे? ये गाना गाएगी मेरे लिए? नहीं, इतनी अच्छी वही जो मैं सुनती होती हूँ। अच्छा, तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा, बिन तेरे हम राही जिंदगी मेरी क्या है तू मेरी। वेरी नाइस, क्लैपिंग करें भाई। चलो जी, और आप इनके लिए? नहीं, मैं इनके लिए ना सॉन्ग नहीं करूँगी। हाँ, मैं इनके लिए एक दो बातें कहूँगी। ये मेरी बहुत अच्छी सिस्टर है और इतनी है कि मैं कहती हूँ कि शायद ATM यूज करती है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन गुस्सा एक अलग चीज है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसी सिस्टर शायद ही किसी के पास हो। वेरी नाइस, माशाल्लाह जी। मैंने तो कभी भी नहीं आज तक ये बोला। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट देख लें, हमने बुलवा लिया। थैंक यू, यू वेलकम। बहुत प्यारी बहनें थी, बहुत क्यूट थी, और उनकी स्माइल वाली स्माइल थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी स्माइल, बहुत मजा आया। आई लव टू मच, बहुत मजा आया। उनकी रीजन कही थी, मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैं उसका ATM कार्ड यूज कर लेती हूँ, यानी कि अगर ATM कार्ड ना हो तो कोई फेवरेटिज्म ना हो। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आपदा। आपका नाम? नाम बताओ। कौन सी क्लास में हो?
आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ. क्या? प्राइवेट स्कूल में. प्राइवेट स्कूल में कुरान पढ़ाती हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त. सवाल करते हैं. हाँ, मुझे बताओ वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे हर दूसरे घर में ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं? ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं कौन सा मुल्क है? अब तो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं. सॉरी, एन से नाम शुरू होता है उस मुल्क का. एन से? न्यूजीलैंड. क्या सुनाऊं? नज़म एक सुना देती हूँ, छोटी सी. दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है. दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है. तय कर रहा है जो तू, तय कर रहा है जो तू. दो दिन का ये सफर है. महमल पे सोने वाले मट्टी पे सो रहे हैं. महमल पे सोने वाले मट्टी पे सो रहे हैं. शाहूं या हूं गिदा सब एक हो रहे हैं. दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है. दुनिया के ए मुसाफिर. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. थैंक यू. जज़ाकअल्लाह जी. बहुत प्यारी नज़म सुनी हमने, बहुत मज़ा आया. और अब जो है वो मज़ीद जो है वो रश जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अमाना मॉल में मूवी देखने आते हैं. मूवी देखने वालों की खासी तादाद होती है अमाना मॉल में. तो जब वो ख़त्म होती है मूवी, तो उसे स्टेयर से सैलाब जो है वो लोगों का नीचे आता है. और वो आते ही प्रोग्राम 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 शुरू कर देते हैं. मज़ा आता है लोगों से बातें करने में. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? मेरा नाम बुशरा. क्या करती हैं? मैं यहाँ जॉब करती हूँ. क्या जॉब करती हैं? माना मॉल में. ओके, चले जी. सवाल करें. हाँ जी. दुनिया की सबसे छोटी परिंदी दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? चलो छोड़ो, ये मुश्किल है. मुझे बताओ दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? सबसे बड़ा परिंदा उड़ने वाला ना चील. कैसा गुजरती है यहाँ पे सारा दिन? हाँ, मसरूफियत काम. क्या टाइम होता? 12 से लेकर 8 बजे तक. खाना देते हैं? नहीं, खाना घर से लेकर आते हैं. लेके आना पड़ता जी? गलत है, होना चाहिए जी. चलें, हम इनसे कहते हैं. आपका जो स्टाफ है, मैं उनसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम. तो मैं कहूँगी कि जब आपका स्टाफ आ रहा है तो आपको उनको लंच जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए. चले जी, क्या सुनाएंगे आप हमें? गाना, कोई भी गाना. दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा सवाद गल बात दा. खिल देने वाल मेरे, रहना मैं नाल तेरे, वादा है पहली मुलाकात दा. ओ लुड्डी हे जिमालो पाओ, लुड्डी हे जिमालो, लुड्डी हे जिमालो पाओ, लुड्डी हे जिमालो. तेनु तकिया बिना प्यार मंगया तेरा, तू की जाने कौन है दिल भर मेरा. एना ख्याल रवे सारा जहान, कवे मुकदा नी सा दिन रात दा. लुड्डी हे जमालो पाओ, लुड्डी हे जमालो, लुड्डी हे जमालो पाओ, लुड्डी हे जमालो. बड़ा मजा आया. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. कभी लुड्डी डाली है जी? हाँ.
बड़ा मजा आया, लड़ी है जमलो पाओ वाला हमने गाना सुना। और बड़ा मजा आता है जब शादियों पे खास तौर से जो है वो लुड्डी डाली जाती है किसी को, जैसे हम कहते हैं ना कुछ भी नहीं आता कुछ तो शेयर करो, तो वो शादियों पे होता है कि आपको कुछ नहीं आता तो लुड्डी डालना शुरू कर दो वो गोल गोल। अच्छा जो ओरिजिनल लुड्डी है ना ये जहाँ की ये जो इलाके हैं जहाँ पे ये प्रॉपर लुड्डी जो डालते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें बैठ के ऊपर और उनका कल्चर है और उसमें चुटकियाँ भी होती हैं तो वो बड़ी जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की होती है। यहाँ पे तो बोंगियाँ मारते हैं ना वो ओरिजिनल बड़ी 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 अच्छी होती है। जी प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ और अच्छी कोशिश की आप लोगों ने आज। आई एम हैप्पी कि कुछ लोगों ने आज सवालों के जवाब भी दिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि जवाब किसी को नहीं आने वाले, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो चेंज कर देती हूँ। अब मैं लोगों को ये ऑप्शन दूंगी कि वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेटेड सवाल करें ताकि वो जवाब दे सकें, ठीक है? क्योंकि गिफ्ट तो मैंने आपको पता आधा डाल दिए गिफ्ट की, गिफ्ट तो आपको पता है मिलना ही मिलना है, तो इस तरह अब आपको जवाब भी की भी आधा डाले। चले गैमोफोबिया के लोग जो हैं वो किस चीज़ से डरते हैं, तो वो लोग शादी से डरते हैं। वाह कितनी अजीब बात है, उनको शादी का नाम लो तो वो उनको कुछ हो जाता है, तो उस बीमारी को गैमोफोबिया कहते हैं। और वो कौन सा मुल्क है जो शादी से पहले लड़का लड़की के दिमाग का टेस्ट देता है, तो वो है वियतनाम, ताकि कि वो नॉर्मल हैं वो लड़ेंगे तो नहीं, क्या वो वायरस तो नहीं क्रिएट करेंगे, क्या उनसे आने वाली नस्लों पर बात तो नहीं आएगी, ये सब चीज़ों को देखते हुए टेस्ट होता है। खैर आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हम सब का फेवरेट प्रोग्राम आपने थर्सडे टू संडे यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चार दिन शाम को 7 बजे देखना है, जो अगले दिन सुबह 11 और सुबह 5 बजे रिपीट भी होगा, तो लाजमी देखिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव। और आज का टैलेंट ऑफ द डे वो लड़की थी जिसने बताया था कि उसने खुद पोइट्री लिखी है और वो साइकोलॉजी पढ़ रही है, तो मेरे नज़दीक वो टैलेंट ऑफ द डे था। आपकी राय है, अगर आपको लगता है कोई और है तो आप मेरे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन पे और भूजो तो जीतो के फेसबुक पेज पे भी आप लाहौर न्यूज़ के पेज पर भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके नज़दीक कौन था। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अब मुझे इजाज़त दें, कीप वॉचिंग कीप लविंग, अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।